हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फाइव प्रोडक्ट्स जिनसे मैं करंटली ऑब्सेस्ड हूँ, दैट इज माय करंट फेवरेट्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वह सबसे पहला प्रॉब्लम जिससे मैं करंटली ऑब्सेस्ड हूँ इज दिस फेस मसाजिंग स्टोन। ऐसे आपने देखे होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था एंड मुझे इससे ना फेस मसाज करने में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इससे जब आप अपने फेस को मसाज करते हैं तो फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, विच गिव्स योर फेस अ नेचुरल ग्लो। तो मैं जब भी फेशियल ऑयल लगाती हूँ उसके बाद इससे थोड़ी देर फेस को मसाज कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा फील होता है। सो आई एम जस्ट obsessed with it. मुझे फीलिंग ही मसाजिंग वाली बहुत अच्छी लगती है। सो दिस इज माई नंबर वन करंट फेवरेट राइट नाउ। सेकेंड प्रोडक्ट जिससे मैं करंटली ऑब्सेस्ड हूँ इज दिस प्लम बॉडी लव एंड बॉडी ऑयल इन वनीला वाइब्स। मैं इसे नॉन स्टॉप यूज कर रही हूँ आजकल एंड आई एम जस्ट लविंग दिस। मुझे जनरली तो बॉडी ऑयल्स पसंद नहीं है बिकॉज वो बहुत स्टिकी होते हैं, बट आई लव दिस वन क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ही लाइट है एंड इट इज वेरी नॉन ग्रीजी। इसको जब अप्लाई करती हूँ अपनी बॉडी पे तो इट एब्जॉर्ब्स रियली क्विकली एंड मेरी जो बॉडी इट स्मेल्स लाइक कपकेक्स। यस, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली आई स्मेल लाइक कपकेक्स एंड आई लव इट। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। सो दिस इज मेड विद 8 नरिशिंग ऑयल्स जो आपको इंटेंस मॉइस्चर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि नहाने के बाद आई अप्लाई दिस ऑन माई बॉडी, मैं इसे अपने बॉडी में लगाती हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट फील्स लाइक अ बॉडी हाइलाइटर क्योंकि ये मेरी पूरी स्किन को एक ग्लो देता है। सो आई फील दिस एक्ट लाइक अ बॉडी हाइलाइटर फॉर मी। सो गाइज, ये मेरा 100% ऑनेस्ट रिव्यू है एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। सो इसका जो प्राइस है दैट इज़ 550 रुपीज़ फॉर 200 ml। अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो आई विल लीव द लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन चेक इट आउट। यू कैन यूज माई कोड MAKES15 टू गेट 15% ऑफ ऑन ऑल प्लम प्रोडक्ट्स। ओके, एंड मूविंग ओवर टू माई नेक्स्ट करंट फेवरेट इज दिस गोल्ड नेकलेस फ्रॉम ज़ारा। ये एक चंकी गोल्ड नेकलेस है जो मैंने करंटली लिया है एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। मैंने इसे अपने स्टाइलिंग वीडियोज़ में भी पहना है एंड दिस लुक्स रियली ग्रेट। ये जो ट्रेंड है 2021 में बहुत चला था चंकी गोल्ड पीसेस का और ये अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। सो आई लव टू वेयर दिस विद माई वेस्टर्न ड्रेसेज एंड टॉप्स। बहुत ही दिस लुक्स वेरी ट्रेंडी एंड शीक। आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। नेक्स्ट थिंग जिससे मैं करंटली ऑब्सेस्ड हूँ दैट आर दीज ब्लैक हील्स। ये पॉइंटी ब्लैक हील्स हैं, किटन हील्स है, इतनी सी इसकी हील है एंड दीज लुक्स रियली शिक। मैंने इसे रिसेंटली H&M से लिया है और मैंने इसे बहुत सारे ट्राउजर्स जींस के साथ पहनती हूँ। पॉइंटी हील्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं, दे गिव यू अ वेरी नाइस पॉलिश्ड लुक। तो मुझे ब्लैक और वाइट में चाहिए था तो ब्लैक में मुझे मिल गई, आई रियली लाइक इट। और मुझे बहुत ज़्यादा हील्स पसंद नहीं है, सो इसकी जो हील है दिस इज़ जस्ट राइट अमाउंट ऑफ हील फॉर मी, जिससे मैं कंफर्टेबल भी फील करूँ, उसे बाहर पहन सकूँ। सो इसको मैं इंडियन वेस्टर्न सबके साथ बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ आजकल एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। सो दिस इज माई अनदर करंट फेवरेट। एंड गाइज, लास्टली मैं करंटली ऑब्सेस्ड हूँ विद वाइट नेल्स। यस, मैंने अभी तो नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं अभी वेकेशन से आई हूँ एंड मैंने जस्ट उसे रिमूव किया है, बट वाइट नेल्स से मैं आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आजकल बड़े वाइट नेल्स, छोटे वाइट नेल्स एंड ये इंडियन वेस्टर्न सबके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैं सोच रही हूँ अब लंबे वाले वाइट जेल नेल्स लगवा लूँ, एक्रेलिक वाले, बिकॉज बहुत मन है मेरा एंड मेरे पास बहुत सारी वाइट नेल पॉलिशर्स है तो बहुत ही ईजिली लग जाता है एंड ये बहुत ही ट्रेंड में आजकल एंड आई एम लविंग दिस ट्रेंड। सो गाइस, ये थे मेरे 5 करंट फेवरेट्स एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू पोकी मिक्स हिंदी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम ID इज पोकी मिक्स। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।